और किस्सा रहेगा रूप बसंत। और चाले की बात यह है, छोटा सा बच्चा है मेरे साथ, एक वंश चांदी से, कुल 10 साल का, 4th क्लास में पढ़ता है। एक दिन और रागिनी आई थी ने मेरे साथ रोहतक ड्यूट की, रूप बसंत की, लेकिन वो रागिनी अलग थी, मौसी और बेटे के सवाल जवाब थे उसमें, और इसमें बसंत और चंद्रा। प्रेमी सजनो, सौदागर बसंत को अपने साथ ले जाते हैं व्यापार करने के लिए, उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां चंद्रा का स्वयंवर रचा हुआ था। दूर दूर से सौदागर राजा महाराजा स्वयंवर में आए हुए थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी, बड़े सोने सोने छोरे आ रहे थे। न्यू सोचे थे भैया चंद्रा माला तेरे गल है। प्रेमी सजनो, जब चुगरदे घूमी चंद्रा माला लेके, चक्कर काट के और कहां आ गई, वो सौदागर और वो बसंत खड़े थे उसके सामने, आके माला लेके खड़ी हो जाती और सर वीरेंद्र दहिया जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, सॉरी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। वो बसंत कहे लगे उस चंद्रा ते, अरे मान जा कहे कि चंद्रा मतना रोपे चाला और मैं निर्धन कंगाल से, तू मेरे मतना गाल ले माला। चाहे तेरा घर हो या नहीं हो, चाहे तू किसाय भी हो, पर मैं तेरी एक गल्ला शादी करना चाहूं सूं साले होगे। अरे चंद्रा मैं तो नंगाल हूं बिल्कुल, कंगाल निखालिश, मेरे साथ शादी करके के करेगी बता, के काट देगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। मानना नहीं? नहीं। अरे और तेरे छोरे रहे देखी सभा में, राजे रहे व्यापारी रहे, इनका गाल दे माला। नहीं 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 नहीं, मैं पसंद आते रहे। हाँ। साले पाड़ दिए। बहुत घनी दुख पावे चंद्रा,
Yeah.
चाल गया धिंगताना रे, चाल गया धिंगताना। ओ सुशवर की दया हुई, मिल गया बाल मशाना, मिल गया बाल मशाना रे। जाट मेरे संग चुप हो गया, उन्हें बीती